हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आंवले का एकदम स्वादिष्ट, एकदम स्पाइसी और एकदम टेस्टी सा अचार। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है फ्रेंड्स, क्योंकि आंवले हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए, फुल वॉच कीजिए। तो हमें करना क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर आंवले के अचार के लिए 4 किलो आंवले ले लिए हैं। ये आंवले थोड़े से दाग पड़ गए हैं, क्योंकि अभी मार्केट में इसी टाइप के आंवले आ रहे हैं बारिश के कारण। तो अब इस आंवले को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है और इस आंवले को बहुत अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें जितने भी गंदगी है वो बाहर निकल जाए। अगर आप कभी भी मार्केट से कुछ भी सब्जी या फिर फल ला रहे हैं तो उसे अच्छे से आप धो लीजिए, उसके बाद ही उसे कुछ बनाइए। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा आंवला अच्छे से वॉश। इसे मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लिया है, ताकि इसके जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाए। तो अब आंवले के जो अचार है उसके आगे के प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो इसे हम उबालने के लिए रख देंगे। तो इसे कम से कम हमें 10 से 15 मिनट उबाल लेना है हाई टेम्परेचर में। तो इसे जब ये हमारा आंवला उबल जाए, तब मैं इसके आगे के प्रोसेस आपको बताऊंगी। आपके आंवले उबले हैं कि नहीं, इसे चेक आपको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद ये जो आंवले हैं वो बहुत अच्छे से उबल गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक आंवला लेके। ये देखिए, जो हमारा आंवला है उसका यही खासियत है, जब ये आंवला उबल जाए तो ये जिसके भाग होते हैं, आंवले में 6 भाग होते हैं, वो भाग अपने आप फटने लगते हैं। तो ये देखिए, जब ये अपने आप छोड़ने लग जाए, आंवले के बीज से छूटने लग जाए इसकी जो भाग है वो, तो आप समझ जाना कि जो आपके आंवले हैं वो बहुत अच्छे से उबल गए हैं। तो अब ये जो आंवला है वो मतलब उबल गए हैं और ये अचार बनाने के लिए एकदम बेस्ट है। तो चलिए, अब इसे हम निकाल कर एक छन्नी में छान लेंगे। तो आपके घर में अगर इस प्रकार का कोई बर्तन हो उससे आप आंवले को छान लीजिए, या कोई दूसरा बर्तन हो उसमें भी बन जाएगा। तो आंवले को पूरे यहाँ पर छान लेंगे, ताकि इसका जो गर्म वाटर है, इसका जो गर्म पानी है वो बाहर निकल जाए और आंवले थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दे, ताकि ये गरम गरम जो आंवला है वो हम तुरंत छीलेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसके भाग निकालेंगे तो इसे ठंडा करने के लिए आप रख सकते हैं। अगर आपको ये तुरंत बनाना है अचार, तो उसके लिए आप एक बाल्टी में पानी लीजिए और उसमें इस आंवले को धो लीजिए, ताकि इसका जो गर्म पानी है वो अच्छे से बाहर निकल जाए और हमारा आंवला ठंडे हो जाए और हम अचार जल्दी बनाकर तैयार कर सकें। तो उसे अच्छे से हम यहाँ पर धो लेंगे और एक बर्तन में अलग हम इसे रख लेंगे। तो यहाँ पर अब इसके पूरे भाग इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो अगर आपको आंवले की चटनी, ये जो अचार है उसको बड़ा बड़ा रखना है तो आप इस प्रकार से रखें, नहीं तो इसके जो आप अगर आप छोटे छोटे रखना चाहते हैं तो इस प्रकार की इसके पूरे कली को निकाल लें। तो आंवले के अचार बनाने से पहले आंवले को कम से कम इसको उबालने के बाद 1 घंटे के लिए इसे धूप में सुखा दें, ताकि इसका जो वाटर, बचा हुआ वाटर है वो अच्छे से सूख जाए और हमारा जो आंवले का अचार है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो, उसमें फफूंद वगैरह कुछ ना पड़े और ये सालों साल टिके रहें। तो आप इस आंवले के चटनी को जब मैं बताऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे। इसे लोग 4 साल तक भी रख सकते हैं स्टोर करके आंवले की इस अचार को। तो अगर आपको बहुत अच्छा और बेस्ट रिजल्ट चाहिए इसका, तो आप कम से कम इसे 1 से 1.5 घंटे तो आपको धूप में सुखाना ही पड़ेगा। तो चलिए, अब हम अचार के आगे की प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा आंवले का अचार है वो तो सूख गया है, सॉरी आंवला जो है वो उसे हमने निकाल कर सुखा दिए थे। अब ये है हमारा जो मसाला, तो मसाला मैंने पहले से बना रखा है। इसमें हींग है, जीरा है, सौंफ है और क्या बोलते हैं, सरसों है, बहुत से ऐसे चीज़ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और अगर आपको चाहिए जो अचार है उसका मसाला, इस पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस चीज़ का अचार डाल रहे हैं, तो तभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मसाले कैसे बनेंगे। तो अब हम इस मसाले को डाल देते हैं आंवले पर,
ताकि जो हमारा अचार है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तो तैयार हो। तो अगर आपको मसालों का झंझट से दूर रहना है या तो आपको मसाले घर पर नहीं बनाना है तो आप इसे मार्केट से भी ला सकते हैं, वो मसाले भी अच्छे होते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे 1 कप के करीबन शुगर यानी कि चीनी शक्कर इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर अचार मसाला बना कर रखा था उसमें पहले से मैंने नमक मिर्ची हल्दी ये सब चीज़ पहले से उसमें मिलाया हुआ था। तो यहाँ पर मैं एकदम थोड़ा सा ही नमक इसमें डालूँगी ताकि जो हमारा अचार है उसका स्वाद अच्छा से बने रहे। और इसे हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम भर भर के मिक्स करना है ताकि जो अचार का मसाला है वो जो आंवला है हमारा उसमें अच्छे से भर जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल, इसे अच्छे से गर्म कर लिया है, धुआं निकलने तक का गर्म करना है इसे। और जब ये तेल अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसे हम डालेंगे जो हमने मिला कर रखा है आंवले और अचार मसाले को, उसमें हम ये जो ऑयल है उसको डाल लेंगे। तो पता ही है कि आंवले में ऐसे बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, जैसे कि विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, इन तत्वों की भरपूर मात्रा होती है आंवले में। तो आंवला जो है वो हमें हर मौसम में तो मिल नहीं सकता, इसीलिए हम इसे अचार बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और इसके जो पोषक तत्व है उसकी हम लाभ अपने शरीर के लिए ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बना लेना है आंवले का अचार और इसे स्टोर करके आपको रख लेना है ताकि इसका जो पोषक तत्व है वो आपके शरीर को मिल सके। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस को हम देखते हैं। तो गाइस आगे का जो प्रोसेस है वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो अचार है वो तो एकदम रेडी है, एकदम स्पाइसी, एकदम टेस्टी टेस्टी सा अचार दिख रहा है। तो आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए। और आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि आगे का प्रोसेस ये है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसे नए नए रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और आप अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस चीज़ का अचार वाला मसाला चाहिए या फिर अचार बनाने की रेसिपी चाहिए, मैं वो रेसिपी आपके लिए लाऊँगी। और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।